दोस्तों स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। आज की दोस्तों जो हमारी जर्नी है वो है लखनऊ से हरिद्वार के बीच में, और जिस ट्रेन से हमने यात्रा की है वो है ट्रेन नंबर 14229 प्रयागराज संगम योग नगरी ऋषिकेश हरिद्वार एक्सप्रेस। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। आज हमें लखनऊ रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर और आज की यात्रा करेंगे दोस्तों हम लोग ट्रेन नंबर 14229 प्रयागराज संगम योग नगरी ऋषिकेश में, और हमारी यात्रा होगी लखनऊ से हरिद्वार की 493 किलोमीटर की, और स्लीपर क्लास रिजर्वेशन है। ट्रेन देखिए हमारे बगल में खड़ी है, तो चलिए आपको ट्रेन के अंदर का भी इंटीरियर दिखाते हैं। लखनऊ स्टेशन के बारे में बता दें, इसको बड़ी लाइन के नाम जाना जाता है। टोटल 243 ट्रेनों का हॉल्ट है और 23 ट्रेन यहीं सबमिट होती हैं और यहीं टर्मिनेट होती हैं, और आता ही है ये लखनऊ डिवीज़न में, नॉर्दर्न रेलवे के लखनऊ डिवीज़न में हमारी ट्रेन यहाँ खड़ी है। दोस्तों हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है अपने निर्धारित समय से 5 मिनट लेट से, और आराम बीच में इसके पड़ने वाले स्टॉपेज होंगे हरदोई, शाहजहाँपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, नजीबाबाद, लक्सर और हरिद्वार हमारा डेस्टिनेशन। ऐसे अगले स्टेशन हरदोई का मिलो। सामने देखिए दोस्तों तेजस की रेख है, लखनऊ से नई दिल्ली के बीच चलती है तेजस। देखिए दोस्तों ट्रेन अपनी रफ्तार में और बादल छाए हुए हैं ऊपर।
भीड़ नहीं है दोस्तों, पूरी खाली है ट्रेन एकदम, सब लोग अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। पालामो एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन मुरादाबाद की तरफ जब हम जा रहे हैं और एक लाइन आपकी सीतापुर की तरफ और एक लाइन आपकी उन्नाव की तरफ जाती है। सामने वाली लाइन जो है वो दोस्तों सीतापुर की तरफ जा रही है। तो आ चुके हैं हम लोग हरदोई, इसका स्टेशन कोड है HRI। टोटल 68 ट्रेनों का हॉल्ट है और 5 प्लेटफॉर्म है। हमारी ट्रेन एकदम समय से आगे 6:35 पर। दोस्तों ट्रेन में निर्धारित समय से 2 मिनट की देरी से। शाहजहांपुर जंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रेन दोस्तों लेट पर लेट होती जा रही है। शाहजहांपुर कचहरी हॉल्ट पर खड़ी हो रही है। दो
दोस्तों हम पहुंच रहे हैं शाहजहांपुर जंक्शन। बहुत भीड़ है यहाँ पर, तो थोड़े प्लेटफॉर्म पर लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है डेली वाले लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। चुके हैं शाहजहांपुर जंक्शन, इसका स्टेशन कोड SPN, टोटल 102 ट्रेनों का यहाँ हॉल्ट है और 60 ट्रेनें यहीं से ओरिजिनेट होती हैं, यहीं से टर्मिनेट होती हैं। आता है उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में, और देख लीजिए इधर से ये स्टेशन। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से आई है शाहजहांपुर जंक्शन। 7:48 टाइम था, 8:08 पर आई है। दोस्तों देखिए ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है अपने निर्धारित समय से, ट्रेन 20 मिनट की देरी से छूटी है क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक की थी इसको यहाँ। देखिए शीशा एकदम साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन टॉयलेट है एकदम। दोस्तों हम लोग बरेली जंक्शन पहुंचने वाले हैं, ट्रेन में WAG 9 लगा हुआ है। दोस्तों सामने वाली लाइन जो है वो कासगंज की तरफ जाती है।
136 किलोमीटर की दूरी तय करके दोस्तों आ चुके हैं बरेली जंक्शन। निर्धारित समय से दोस्तों 50 मिनट की देरी से आई है। टोटल यहां पर 175 ट्रेनों का हॉल्ट है। 12 ट्रेन यहीं से टर्मिनेट होती हैं, आता है ये मुरादाबाद डिवीजन में। ये है बरेली जंक्शन दोस्तों। सामने देखिए दोस्तों चंडीगढ़ पाटलिपुत्र एक्सप्रेस आई, वो उसको छोड़ दिया पहले, वही जाएगी। दोस्तों रामपुर जंक्शन स्टेशन कोड RMU, टोटल 62 ट्रेनों का हॉल्ट है और 3 प्लेटफॉर्म है। और रामपुर एक जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से काट गोदाम की तरफ जाती है और एक लाइन मुरादाबाद की तरफ जाती है। ये रहा स्टेशन पर जैसा दिखाई देता है, सामने प्लेटफॉर्म पे काफ़ी भीड़ है। पर क्रांति एक्सप्रेस आ गई काट गोदाम में। ट्रेन का डिपार्चर दोस्तों हो गया, ट्रेन यहाँ सवा एक घंटे लेट आई है। 9:40 का टाइम है, 10:55 पे आई है, यहाँ से खुल गई है।
खंडहर जैसा बना हुआ है कुछ। दोस्तों देखिए मुरादाबाद जंक्शन, इसका स्टेशन कोड है MB और टोटल 235 ट्रेनों का हॉल्ट है। 13 ट्रेनें ईस्ट ऑरिजिनेट होती हैं, ईस्ट टर्मिनेट होती हैं और कुल 7 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। ये है मुरादाबाद जंक्शन दोस्तों सामने से, और हमारी ट्रेन यहाँ खड़ी है। हमारी ट्रेन पूरे 1.5 घंटे लेट है। इसका टाइम तो दोस्तों ट्रेन नंबर 1125 पे आई है और मुरादाबाद एक जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से एक लाइन आपका रामनगर की तरफ जाती है। दस मिनट के स्टॉपेज के बाद दोस्तों ट्रेन चल चुकी है यहाँ से, 1 घंटे 15 मिनट लेट है ट्रेन। Passengers are requested to take their respective seats. Thank you.
आ चुके हैं दोस्तों हम लोग नजीबाबाद जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है NBD। कुल 59 ट्रेनों का यहाँ हॉल्ट है। 6 ट्रेन यहीं सोजनी टू यहीं टर्मिनेट होती हैं और कुल प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर 4 हैं। दोस्तों निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से आई है और नजीबाबाद जंक्शन पॉइंट, इसलिए एक लाइन यहाँ से कोटद्वार की तरफ जाती है और एक लाइन लक्सर की तरफ और एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं मुरादाबाद की तरफ से। स्टेशन पर नजीबाबाद का बोर्ड ही नहीं लगा। लक्सर जंक्शन, इसका स्टेशन कोड है LRJ। टोटल यहाँ पर 6 प्लेटफार्म है और 82 ट्रेनों का यहाँ दोस्तों हॉल्ट है। ये रहा लक्सर जंक्शन। हमारी ट्रेन 1 घंटे विलंब से चल रही है दोस्तों, पूरे 50 मिनट की देरी से आई है लक्सर में। लक्सर एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन रुड़की की तरफ जाती है और एक लाइन हरिद्वार की तरफ। ये रहा कुछ ऐसा दिखता है इधर से स्टेशन। गाड़ी संख्या 1-4-2-2-9 प्रयागराज संगम जोगला ऋषिकेश एक्सप्रेस। तो ट्रेन यहाँ 5 मिनट खड़ी थी और यहाँ से चल पड़ी है और अगला स्टॉप हमारा डेस्टिनेशन हरिद्वार।
दोस्तों हम पहुंच गए हरिद्वार जंक्शन अपना डेस्टिनेशन। तो देखिए हरिद्वार, इसका स्टेशन कोड है HW। टोटल 9 प्लेटफॉर्म है और 62 ट्रेनों का दोस्तों यहाँ हॉल्ट है। 15 ट्रेन यहीं से ओरिजिनेट होती हैं और यहीं से टर्मिनेट होती हैं। तो दोस्तों ट्रेन हमारी पूरे एक घंटे लेट आई है हरिद्वार के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, आप देख सकते हैं। दोस्तों हमारी यात्रा थी लखनऊ से हरिद्वार की 493 किलोमीटर की। तो फिर मिलेंगे आपको किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।